को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। सीता जी का अपहरण हो चुका है और श्री राम अब दो समस्याओं से जूझ रहे हैं, एक तो राक्षसों का संहार, दूसरा अपनी पत्नी की खोज। तो अपनी पत्नी की खोज में वो घूम रहे हैं और उस समय सुग्रीव और हनुमान उनको मिलते हैं। और तब जब सुग्रीव की समस्या का समाधान करने के बाद रामचंद्र जी को सुग्रीव कहता है कि आपकी जिंदगी भर सेवा करूंगा, तब राम उसको कहते हैं कि अब तुम मेरी एक मदद कर सको तो करो, मेरी पत्नी की खोज मुझे करनी है जिसका अपहरण कोई कर ले गया। तब तक उन्हें यही मालूम है कि अपहरण किसने किया है, कोई कर ले गया है, पता लगाना है कि वो कौन है, किस दिशा से आया, कहां रखा है आदि आदि। तो सुग्रीव कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि आपके इस अभियान में जब तक मेरे प्राण है तब तक मैं आपके साथ हूं। और सुग्रीव के इस वचन के साथ हनुमान भी बंध जाते हैं और वो कहते हैं कि मैं अलग कैसे रह सकता हूं, मैं भी इस वचन में साथ हूं। तो श्री राम उनसे कहते हैं कि अब हमें दूसरा बड़ा अभियान चलाना है कि खोज करनी है। तो सुग्रीव कहता है कि मेरा अनुमान है कि सीता का अपहरण रावण ने ही किया होगा, मेरा अनुमान है। राम कहते हैं तुम कैसे कहते हो? तो सुग्रीव कहता है कि मैं रावण को जानता हूं। कैसे जानते हो? तब वो कहता है मेरे भाई बाली का दोस्त है और जितना कुकर्मी बाली उतना ही कुकर्मी वो है, उससे ज्यादा ही है, कम नहीं है। तो रावण कैसा है पूरा डिस्क्रिप्शन राम को जो बताया है वो सुग्रीव ने बताया, वो ऐसा है, वो ये कुकर्म करता है, इतने अत्याचार करता है, इतने तरह से व्यभिचार आए हैं अपने समय की, और वो कहानी सुपर्णखा की है वो आप सब जानते हैं। तो सुग्रीव जो कह रहा है कि मेरा अनुमान अब पक्का हो गया है कि ये वही है, तो क्यों किया होगा? तो कहने लगा अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए हो सकता है, और वो सुंदर स्त्रियों के प्रति आसक्त तो बहुत रहता है रावण, ये भी कारण हो सकता है। तो राम कहते हैं कि चलो ठीक है, अगर ये वही है तो पता करो कि इसका निवास कहां है, वन का इसका आवास कहां है, महल कहां है, राज्य का। उसने कहा वो मालूम है क्योंकि मेरा भाई बाली अक्सर जाता था और बाली के पास ये अक्सर आता था और इनका आना जाना मुझे बहुत नजदीक से पता है, मैं जानता हूं वो कहां रहता है, वो लंका नगरी है, समुद्र के किनारे है, ऐसा ऐसा पूरा वर्णन करता है। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि हमको हर हालत में वहां तक पहुंचना है। तो जंगल के सब राक्षसों का संहार करने के बाद, स्थानीय जनजातियों के राजाओं को राज्य सौंप देने के बाद, राम अपने अंतिम अभियान पर निकलते हैं जो उनके जीवन का सबसे बड़ा अभियान है, रावण का संहार। पहुंच जाते हैं। अब ये बाली का भाई सुग्रीव जो राजा बन गया किष्किंधा का, वो कहता है आप रावण से लड़ोगे कैसे, उसके पास तो बड़ी भारी सेना है। तो राम ने कहा कि फिर हमें भी सेना तैयार करनी है। तो सुग्रीव कहता मेरे पास तो नहीं है कोई सेना। क्यों? तो उसने कहा मेरे राज्य में तो सैनिक रहते ही नहीं है, बंदर भालू रीछ रहते हैं, अगर जरूरत पड़े तो ये आ सकते हैं, इनसे कैसे लड़ोगे? तो हनुमान को बुलाते हैं कि देखो तुम बता सकते हो इनकी शक्ति और ताकत? तो वो कहते हैं कि इनमें शक्ति ताकत तो नहीं है लेकिन भावना प्रबल है, अगर आप इनको हिम्मत दे दें तो ये रावण से लड़ सकते हैं। क्यों लड़ेंगे ये रावण से, लक्ष्मण कह रहे हैं? तो राम कहते हैं ये रावण से इसलिए लड़ेंगे क्योंकि रावण ने इनके खिलाफ भी बहुत अत्याचार किए, इन बानरों के खिलाफ बहुत अत्याचार किए। रावण की एक नीति है बाली के राज्य से बानरों को गिरफ्तार करना। बानर एक तरह की जाति है, बंदर का अर्थ नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा, एक तरह की जनजाति है, बंदर और बानर बिल्कुल अलग है। तो बानर जाति के लोगों को रावण पकड़ पकड़ के लेके जाता है और लंका में दास बना के रखता है और इनकी स्त्रियों को भी पकड़ के लेके जाता है, उनको वैश्या बना के छोड़ता है। तो वानर जाति के लोग रावण के बहुत खिलाफ हैं। तो राम को जब ये सुग्रीव बताते हैं कि देखो हमारे साथ वो ये बर्ताव करता है, तो लक्ष्मण और राम मिलके कहते हैं कि तो जरूर ये वानर रावण से लड़ेंगे, मुझे तुम उनके पास ले चलो। तो वानरों की सभा बुलाई जाती है किष्किंधा में, हनुमान जी जो वानरों के सबसे बड़े प्रतीक हैं वो सबको इकट्ठा करते हैं और राम उनको सुनाते हैं कि देखो ऐसा ऐसा एक आतताई आदमी है, उसके खिलाफ संघर्ष करना है, उसने मेरी पत्नी का भी अपहरण किया है। तो वानर कहते हैं आपकी क्या, हमारी सबकी पत्नियों का अपहरण किया है।
लेकिन आप अगर तैयार हैं लड़ने को तो हम भी आपके साथ हैं, तो चलो, तो तैयारी होती है। और राम, श्री राम उन सीधे साधे वानरों में जो राक्षसों का भी प्रतिरोध नहीं कर पाते हैं, शक्ति भरने का काम करते हैं, अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाते हैं, अस्त्र शस्त्र से उनको सज्जित करते हैं, और अस्त्र शस्त्र से जब सज्जित उनको कर रहे हैं और अस्त्र शस्त्र चलाना सिखा रहे हैं, उसी दौर में सुग्रीव और राम का बार बार संवाद हुआ है। कंब रामायण में एक बहुत सुंदर स्टेटमेंट है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। सुग्रीव पूछ रहा है एक दिन राम से कि आपने मेरा राज्य वाली से जीतकर मुझे दिया, अब मेरे मन में तो वैराग्य पैदा हो रहा है, मैं क्या करूं, राज्य छोड़ के मैं जाना चाहूं। तो राम जो उसको उत्तर दे रहे हैं, देखो राज्य क्यों स्थापित किया जाता है, राज्य की स्थापना के पीछे कारण क्या होता है और उद्देश्य क्या होते हैं। तो कहते हैं अपनी प्रजा को आर्थिक लूट से बचाने के लिए राजनीतिक सत्ता स्थापित करनी पड़ती है। अपनी प्रजा को आर्थिक लूट से बचाने के लिए राज्य सत्ता स्थापित करनी पड़ती है, और राज्य सत्ता की रक्षा करने के लिए सेना की जरूरत होती है, और सेना की जरूरत पूरी करने के लिए धन संपत्ति चाहिए, और धन संपत्ति चाहने के लिए उत्पादन और व्यापार की जरूरत होती है, और इन सब का समूह जो हो जाता है उसी को राज्य शक्ति के रूप में माना जाता है। तो सुग्रीव कह रहे हैं कि देखो हमको सेना चाहिए इसके लिए, हमको राज्य की लूट बंद करानी है इसके लिए राज्य सत्ता आसानी से हम पालन कर सकें। तो वो सुग्रीव से कहते हैं कि तुम्हारे लिए छुटकारा नहीं है कि तुम वैराग्य धारण करो और चले जाओ, अब तो तुम्हें ये चलाना और आगे बढ़ाना। तो राज्य स्थापित करने के पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो श्री राम उनको समझाते हैं। आर्थिक लूट से बचने के लिए राज्य चाहिए, राज्य की रक्षा के लिए सेना चाहिए, सेना के लिए धन संपत्ति चाहिए, और धन संपत्ति इकट्ठा करने के लिए राज्य में उद्योग और व्यापार चाहिए। ये पूरा एक चक्र है। और वो राम कहते हैं कि इसमें से अगर कुछ भी निकल गया तो सब चला जाए। उसके बाद एक और दूसरी बात वो सुग्रीव से कह रहे हैं कि देखो सुग्रीव, राज्य को धन की आवश्यकता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये धन प्रजा के कल्याण में लगने वाला होगा तो श्रेय होगा, और जो प्रजा का शोषण करने वाला हुआ तो ये छोड़ने लायक होगा। तुम तय कर लो कि तुम्हारे राज्य के लिए धन की जरूरत है तो किस रास्ते से लाना है, प्रजा के कल्याण वाला या प्रजा के शोषण वाला। तो सुग्रीव कहता है आपके रहते मैं सोच कैसे सकता हूं। तो राम कहते हैं कि इसका संकल्प हमेशा याद रखो कि धन वही जो प्रजा का कल्याण कर सके, ऐसा धन बिल्कुल नहीं जो प्रजा के शोषण से आया हुआ हो। तो धीरे धीरे राम एक आदर्श राज्य की कल्पना बुनते चले जा रहे हैं, एक आदर्श राज्य कैसा होता है उसकी स्थापना में लगे हुए। अब आखिरी समय है उनके अभियान का कि जब सुग्रीव और हनुमान की मदद से सेना तैयार होती है और सेना को लेकर लंका की तरफ कूच करते हैं, तो सेना जब समुद्र के किनारे पहुंचती है तब राम को उसका अंदाजा होता है कि कितने सैनिक हैं उसमें। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं कि क्या आपको भरोसा है कि यह सेना रावण से लड़ेगी, तो राम उनको कहते हैं कि हां, भरोसा ही नहीं विश्वास है कि यह लड़ेगी ही नहीं, रावण को पराजित करेगी। तो कहने लगे वो कैसे, तो वो कह रहे हैं कि ये जो सब सैनिक है ना, ये फुल टाइमर नहीं है, पूर्णकालिक सैनिक नहीं है, ये सब अर्धकालिक है, माने ये राज्य के नागरिक हैं, अपनी जिंदगी चलाते हैं, अपना परिवार चलाते हैं, क्योंकि ये रावण से पीड़ित हैं इसलिए मेरे साथ आए हैं और सेना में शामिल हुए हैं, ये पूर्णकालिक सैनिक नहीं है, इसलिए इनकी भावना बड़ी है, ये पैसे के लिए नहीं लड़ने आए हैं, ये अपने सम्मान की रक्षा के लिए लड़ने के लिए आए। इनकी जो पत्नियों को रावण उठा ले गया है उनको वापस लेने के लिए मेरे साथ आए। पूर्णकालिक सैनिक और अर्धकालिक सैनिक का मतलब जो वो समझा रहे हैं कि हम जिनको पगार देते हैं और वो सेना के लिए लड़ते हैं उनका भरोसा नहीं, हमसे ज्यादा कोई पगार देगा तो वहां चले जाए,
लेकिन इनमें कोई पगारधारी नहीं है, ये सब एक्टिविस्ट हैं, एक तरह से आज की भाषा में सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये अपने अपने अपमान का बदला लेने के लिए रावण के खिलाफ है। ये सिर्फ मेरी पत्नी के अपमान का बदला नहीं, इनकी अपनी पत्नियों के अपमान का बदला लेना। इसलिए मुझे लगता है कि ये लड़ेंगे ही नहीं, जीतेंगे। तो लक्ष्मण पूछ रहे हैं, आपको मालूम है इनमें कैसे कैसे सैनिक हैं? तो राम कहते हैं, हाँ, इनमें कई सैनिक ऐसे हैं जो सवेरे से शाम तक लोहा गलाते हैं भट्टियों पर, और उनसे कुछ औजार बनाते हैं, और समय मिलता है तो मेरे पास अभ्यास करने के लिए आते हैं। फिर वो कहते हैं कि इनमें से कई सैनिक ऐसे हैं जो कुम्हारी का काम करते हैं, चाक चलाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, उसमें से समय बच जाता है तो मेरे पास आते हैं प्रशिक्षण लेने के। फिर वो कहते हैं, इनमें से कई सैनिक ऐसे हैं जो धागा बनाते हैं, कपड़ा बुनते हैं, बुनकर हैं, जब इनको समय मिल जाता है तो मेरे पास प्रशिक्षण लेते हैं। तो लोहार है, कुम्हार है, बुनकर है, धुनकर है, 18 जो हम जानते हैं ना गांव गांव में कारीगरी का काम करने वाले, वो सब रामचंद्र जी के सैनिक हैं। कारीगरों को सैनिक बना दिया, ऐसा कोई राजा हमने हजारों साल इस देश में देखा नहीं। कारीगरों को सैनिक बना दिया। जितने भी राजा हैं, दशरथ, दशरथ के पहले के 5 कुल रघु से शुरू होता है और दशरथ तक आते 5 बीते हैं कुल, इन 5 समय में जितने भी राजा हुए हैं सबके पास पूर्णकालिक सैनिक हैं, पगार पर काम करने वाले सैनिक हैं। राम अकेले राजा हैं अपने कुल में जिनके पास एक भी सैनिक नहीं है जो पगार लेकर लड़े। वो तो लड़ रहे हैं इसलिए कि उनके सम्मान का प्रश्न। आप सोचो, साधारण से लोग जो लोहारी, कुम्हारी, बुनकरी का काम करते हैं उनको सैनिक बना दिया, ये तो कोई विरले ही लोग कर पाते। साधारण से वानरों को रावण से लड़ने के लिए खड़ा कर दिया, ये तो कोई विरले लोग कर पाते।